So, hi guys, welcome back to my another new vlog. Yes, I am vlogging today, but aaj socho kya hone wala hai. Waise thumbnail se to dekh hi liya hoga na. I am going GK market and first time I am going GK market. Aur main fatafat ready ho rahi hu bas aur mujhe Priyanka ke ghar jana hai and actually we both are going GK market. Mujhe kuch blouse ki dher sari shopping karni hai aur is baat ka reference maine apne last vlog mein bhi diya tha. तो गाइस मैं निकल चुकी हूँ और अभी फटाफट मतलब मैं थोड़ा लेट हो गई, मेरी वजह से लेट हुआ है क्योंकि मुझे एक शूट करना था और उसके बाद कहते हैं ना जब आप थोड़ा सा जल्दी में होते हो तो कुछ ना कुछ चीजें आपके सामने आ ही जाती हैं. मतलब आज पार्सल का पिकअप भी है, पार्सल पैक भी आज ही करना है, फिर ढेर सारी डिलीवरीज आ रही है, सबको ओटीपी देना है, मैं इधर वीडियो शूट कर रही हूँ और उसी में किसी किसी के कॉल्स आ रहे हैं. मतलब ये आप लोग के साथ भी हुआ है ना, अक्सर ही होता है यार, जब भी आप जल्दी में होते ना तो कुछ ना कुछ चीजें ऐसे आपके सामने आती रहेंगी जो आपको और लेट करा दे. तो बट ठीक है, फिर भी इन सब बातों को इग्नोर करते हुए मैं निकल चुकी हूँ और 12:11 हो चुके हैं और मैं फटाफट निकल रही हूँ प्रियंका के घर के लिए. वहीं से हम लोग सीधा जीके निकलेंगे. प्रियंका आ चुकी है, इन्हें घर से निकलते ही प्यास लग गई है. प्यास मतलब... नहीं, मैंने अस्थमा का वो पंप लिया ना. हाँ. तो उसमें उसके बाद दवाई खाना, भाई 10 एग्जिट है, दवाई खाना पड़ता है क्योंकि अदरवाइज वो स्टेरॉइड है, वो गले में वो अटकता है, वो कर देता है, आपका इन्फेक्शन कर देता है अगर पानी ना पियो उसको, खाओ उसको लेने के बाद. तो इसीलिए ले लिया है. एंड गुड आफ्टरनून, आज हम जा रहे हैं फाइनली. हम लोग बहुत जगह साथ में जाने वाले हैं. That we are not going to reveal right now. हाँ, वो मिलेगा, वो सरप्राइज है, जैसा मैं बोल चुकी हूँ. गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट एंड अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या कहाँ कहाँ मिल रहा है. पहले तो अभिलाषा ने भी हमें एक एड्रेस बताया है. वो उसने बोला बेसमेंट में कहीं तो ब्लाउज मार्केट है, वहाँ जाना चाहिए. एंड ये है यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं एंड देखते हैं कहाँ क्या मिलता है और आपको भी सब चीजें दिखाते हैं. बैग्स वाले शॉप में शूट नहीं करने देगा, समझ रहे हो. कौन सा शॉप नंबर है ये? M4. ओके, क्या प्राइस है सबका? 325. ये सही लग रहा है. ये क्या मतलब, उसके मतलब साइजेस में अवेलेबल होता है कि फ्री साइज एक ही है? साइज में अवेलेबल है ना, जो साइज कहोगे वो साइज है. ठीक है, पकड़िए, देखते हैं डिजाइन. अच्छा, आपके खुद की मैन्युफैक्चरिंग है? मेरे को डबल एक्सेल आएगा, इसमें डबल एक्सेल है क्या? वो लग रही हो, ये रह रहा है, प्रिंट अच्छा. रणवीर लग रही हो, रणवीर कपूर. रणवीर सिंह. ओह सॉरी, रणवीर सिंह. गाइस आई एम बाइंग दिस वन एंड मुझे जयपुर के लिए ये वाला चाहिए था. ऐसा सब इसमें कलर्स भी अवेलेबल है क्या? ये मैं लेने वाली हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है. शॉप क्या नाम है? SG क्रिएशन चितरंजन. ये है कॉन्टेक्ट नंबर. शॉप नंबर 9 फॉर ओवरसाइज टी शर्ट्स एंड बहुत सारा ड्रेसेस भी. Especially for oversized t-shirt and dresses. Shirts. Oversized shirts, t-shirt. मैं ये देख रही हूँ. मेरे को आजकल शौक चढ़ा है थोड़ा सा नए नए कपड़े ट्राई करने का. कैसी लग रही है? ज्यादा नहीं लग रही मेरे ऊपर झोला? लग रही है ना? कुछ खाना नहीं है? हाँ यार, भूख मर गया क्या सारा? भूख एक्चुअली मैं मरा नहीं है, बस थोड़ा सा पोस्ट फोन हो गया है भूख हमारा. हमें भूख की याद नहीं आ रही है और हम बस वीडियो बना रहे हैं और हम सामान खरीद रहे हैं और बस हम क्या कर रहे हैं. हाँ, ये वैसा ही कलेक्शन है जैसा वहाँ से लेके आए हो. ये उन्हीं की शॉप है क्या? आगे 4 नंबर शॉप आप ही की है, इसीलिए सेम कलेक्शन है ना. कौन सा शॉप नंबर है? ये 17 कॉट सेट है, एथनिक कॉट सेट. कपड़े का बनाना शॉप नंबर क्या है भैया? 2020. यहाँ पे बहुत ही एथनिक कॉट सेट काफी है, सही है. I love this one. इस नंबर बेसमेंट का ब्लाउज मार्केट जहाँ पे मैं जा रही हूँ और यहीं पे सबसे ज्यादा मार्केट है, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं. वैसे मुझे शुरू से ही पसंद आने शुरू हो गए, अभी नीचे जाके देखते हैं कितना क्या है. माय गॉड, आई एम स्क्रीमिंग, दिस इज सो प्रिटी. और देखो कलर मिल जाएगा इसमें का, सेम है मेरे पास व्हाइट. इसमें आपका क्रीम मिल जाएगा, व्हाइट है. नेक भी है ना? हाँ, ये वाला दिखाइए. शॉप नंबर आपका? M25.
ये मैंने लिया। शॉप नंबर, शॉप नंबर M25 और ये है नंबर। और आप ऑनलाइन भी अवेलेबल है? ऑनलाइन भी है। इंस्टाग्राम पे है? ये ठीक है, ये है इंस्टाग्राम हैंडल, हमारा ऐड करनी थी। ठीक है गाइस, हमने सर भिड़ा लिया ब्लॉग के चक्कर में। भाई इसकी हालत ऐसी ऐसी टाइट हो रही है। एक्चुअली हम पिछले 3 घंटे से ऊपर से शॉपिंग कर रहे हैं ना, 3 घंटे से ऊपर से हम शॉपिंग कर रहे हैं और हम इतना ज्यादा भूखे हो चुके हैं और ये सबसे ज्यादा भूखी है। मैंने तो कुछ खाया नहीं है और भूखे से ज्यादा ना मेरे सर भी ना मेरे मतलब तो थोड़े थोड़े देर में कुछ खाना पड़ता है, वरना मेरे को गैस हो जाता है और सर में दर्द होने लग जाते हैं। ये पागल हो गई है इस समय खाने के लिए, भूखी भूखी हो गई है, भूखी राक्षस। स्टार्टिंग में ही मेरा चीट मील हो रहा है जबकि मैं डाइट पर हूँ। आज मेरे को अपनी डाइट वाले को बताना पड़ेगा कि मेरा चीट मील हो गया, फिर आज पूरे हफ्ते मेरे को चीट मील नहीं मिलेगा। हाय राम यार, चलो हम जल्दी से खाते हैं, हम बहुत हंगरी हैं। को लेना है क्या? नकली वॉलेट लेना है? जब तक मैं ये नहीं बोलूंगी मेरा वॉलेट 2.5 लाख का है तब तक मैं रिच कैसे कहलाऊंगी, है ना? नहीं भाई 2.5 लाख है नहीं, मैं तो 10,000 रुपए भी नहीं डाल सकती बैग में, लेकिन इसने लिया 11-12 हजार का। पहले लिया है, अभी कोच लिया है। कोच कितने का है? 54,500। गाइस आई एम स्पीचलेस, मैं व्लॉग बंद कर रही हूँ, मुझे बहुत गरीब फील हो रहा है, मुंह में पानी आ गया। बंसी, इतना सुंदर खाना, ऐसा लग रहा है एक रोटी में पेट भर जाएगा ना। मैं इस मरीज का सर दबा रही हूँ। इसका इतना सर दर्द हो रहा है, ये दवाई खा के बैठी है भाई, इसकी ऐसी हालत खराब हो रही है। अब भाई इसको आदत नहीं है, इसको बिल्कुल आदत नहीं है शॉपिंग करने की। भाई मैं तो सोची फिर मैंने कैसे उस सदर में ऐसे 4-4 घंटे धूप में धक्के खाए हैं ज्वेलरी बिजनेस के लिए। भाई मेरे को तो आदत वहां से डली है खूब घंटे मार्केट में घूम के चीजें पसंद करने की ना। ये देखो ये बीमार इंसान है, मैं सर दबा रही हूँ। ये भी क्या याद रखे, ऑनलाइन बीमार है, सिर्फ ऑनलाइन ही सब कुछ खरीद खरीद के ऐसा बीमार हो चुका है कि बट शॉपिंग बढ़िया करी है। देखो जैसे ऐसा लग रहा है आज मैंने इतना ब्लाउज खरीद लिया ना कि मेरे को इंस्पिरेशन मिल गया कि मुझे साड़ी पहनना है। अरे साड़ी पहनो, तुम्हारे ऊपर अच्छी लगती है साड़ी। यार दुकान लगी है, दुकान 500 का है, 500 का है, आजा आजा, चलो एकदम थक गए आज भयंकर तरीके से। अब हालत खराब हो गई है, अब हम जा रहे हैं थोड़ा बहुत देखेंगे सामान और उसके बाद ये देखो ये क्या चढ़म चढ़ाई चल रही है, देखो कंधे पे चढ़ रही है, चल रहा है। मेरी बेटी ऐसे जिमनास्टिक करके प्यार करती है अपनी। वाह, मम्मा का गर्दन का दर्द ठीक कर दोगी। कंधे में दर्द हो रहा है, चल कुछ कुछ। गाइस मैं निकलने वाली हूँ, बस मैंने कैब बुक कर दी और 10 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। हाँ ऐसे ही हमेशा मैं लेट हो जाता हूँ और इतना सारा आइटम मुझे लेके जाना है। लेट मी शो यू, दिस इज दीज आर द आइटम्स जो मैंने बाय करे हैं ये सारे, और मैं तैयार हो चुकी हूँ, बस निकलने वाली हूँ। कैब एक बार आ जाए लोकेशन पे तो बस निकलते हैं और घर पहुंचेंगे। लड्डू 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 त्याग दिया तुमको, ऐसे नहीं हो सकता। लड्डू लड्डू को बंद कर दिए होगे आप, हम क्यों बंद करेंगे, वो बैठा हुआ है। लड्डू डीलक्स मोतीबाग डीलक्स है ना, वहाँ पहुँच के ये हुआ कि टेबल पे पेड वाटर रख
रखा हुआ है बॉटल सील्ड। पेड वाटर मतलब? पेड वाटर 140 रुपए का। अच्छा पहले से ही? पहले से ही सब बॉटल सब पे सजा रखा है। मतलब पहले से पानी जो होता है दैट इज अ मिनरल वाटर ना, सॉरी मतलब रेगुलर आरओ वाटर है ना, यही होता है ना टेबल पे, कि तुम 140 रुपए वाली बोतल रखोगे कि इंसान धोखे में सील तोड़ दे उसकी। और सील ऐसी तो लगी नहीं होती कि दिखता है। भाई मैंने खोल दी, मैंने ध्यान नहीं दिया, जब सील टूटी तब मुझे रियलाइज हुआ कि भैया ये तो कुछ तो है लोचा। फिर मैंने प्राइस उसका चेक किया, 140 रुपए की बोतल। हिमालयन वाली थी क्या वो? कोई तो पता नहीं कौन सा वाटर था यार। देखो नॉर्मली होटल में या रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो आरओ वाटर ही टेबल पे होता है जो नॉर्मली रखा होता है, या फिर वेटर आके पूछता है, यही होता है ना। मैंने उनको बोला जाते जाते, मैंने कहा यू गाइज आर डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग, ठीक है जो आप ये कर रहे हो ना, टेबल पे पेड वाटर वो भी 140 रुपए वाला वाटर, पहले से कोई भी बंदा आएगा पानी तो पिएगा ही पिएगा, आपके यहाँ से कुछ खाए चाहे ना खाए, तुमने 140 रुपए की बोतल पहले से रख रखी, बता नहीं रखा है। मैं उनको इस चीज के लिए बोल के आई, बहस मेरी वहां पे हुई। दूसरी चीज, आज एक चीज मैंने और की, यदि आपके साथ गलत हो रहा है ना, मतलब ये वाली ये पैसे वाला बोतल वाला, ये के लिए मैं बोल के आई, यहाँ बोलना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे नहीं सामने वाले को ये नहीं पता चलेगा तुम्हारी वाली तुम्हारी नौटंकी, लोग समझ रहे हैं। दूसरी चीज ये कि अभी मैंने कैब बुक करी, कैब से मैं आ रही थी आराम से, ठीक है कैब ड्राइवर डिसेंट था, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ी चीज नहीं थी, बट डिसेंट होने के साथ साथ वो अपने केस अपनी मतलब दुखड़ा रोने की बातें कर रहा था, लाइक कि उसके साथ ऐसा हादसा हो गया, इंसिडेंट हो गया, ठीक है। नॉर्मली वो अपनी बात कर रहा है कि हाँ चलो फेयर को लेके कि इन ड्राइव पे कम पैसे मिलते हैं, ओला पे ज्यादा होते हैं, बट हमें कुछ नहीं कमाने मिलता, ये सब बातें थी ठीक थी। फिर वो मेरे से क्या बोलता है, कहता है कि मैम मेरे साथ एक हादसा हो चुका है। मैंने कहा व्हाट, क्या हो चुका है? ऐसे मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ। तो कहता है एक मैडम आई थी, ऐसे रात की ड्राइव थी, एक फॉरेन बाहर की थी, वो आ गई ड्रिंक करे हुई थी, मेरे से कहती हैं कि या तो मेरे साथ चलो या तो मेरे साथ सेक्स करो नहीं तो मैं केस कर दूंगी। इस तरीके की बात उसने जैसे ही बोली, भले वो किस भी इंटेंशन से मेरे को शेयर कर रहा था मुझे नहीं पता। मैंने ये सीखा कि यदि आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो किसी बात से, इमीडिएट बंदे को बोलो चुप। तो मैंने उसको सीधा बोला, देखो भैया आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डू, ये तुम्हारी बात सुनने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है आई एम सॉरी आपके साथ ही हादसा हुआ, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन दिस, देखो नहीं सुननी है आपकी बात। तो आगे वो और भी बोलने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा भैया प्लीज शांत, मुझे बात नहीं करनी इस बारे में, आपके साथ गलत हुआ है मानते हैं, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस बात को सुनने में, आप गाड़ी चलाओ मुझे घर पहुंचाओ जिस काम के लिए आप यहाँ पे बैठे हो, बस मैंने इतनी बात बोली। उसने चुपचाप मुझे घर पे छोड़ा और पैसा लिया चला गया। तो मैंने ये दो चीज आज सीखी कि अपने राइट्स और अपनी चीजों के लिए बोलना, इमीडिएट बोलना बहुत जरूरी है। तो दिस इज माय टुडेज लर्निंग एंड आई थिंक मैंने बहुत सही किया। व्हाट डू यू से? या परफेक्टली फाइन, बस यही मैंने, ये चीज मुझे मतलब सही लगी, मुझे बोलना चाहिए। सो गाइस मिलते हैं अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।